नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आप देखें। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए था, इतना ईजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स हु सो फार लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर होम। मतलब उनकी जो दुकान है ना, उनके घरों से एक की तो है 20 किलोमीटर दूर और एक की है 24 किलोमीटर, यानी दोनों की अलग अलग डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए एक तो पहले आ जाता है रास्ते में और एक जो दूर है थोड़ा उससे, तो ये कह रहा है कि वो दोनों दुकानें इतनी इतनी दूरी पर, दोनों हर दिन एक ही समय पे घर से निकलते हैं। भाई दोनों सेम टाइम पे घर से निकलते हैं और दोनों ठीक 10 बजे अपनी अपनी दुकानों में पहुंच जाते हैं, यानी दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं। और कितनी बजे पहुंच जाते हैं? 10 बजे। मान लीजिए वो 5 बजे निकले और कितनी बजे पहुंच गए? 10 बजे। तो बताओ कितना कितना टाइम लगा दोनों को? 5-5 घंटे। यानी टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है। अब देखना, अगर टाइम इक्वल है तो स्पीड का रेशियो किसमें बन जाता है? भाई डिस्टेंस के रेशियो में। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस स्पीड, अगर टाइम इक्वल है ना, दोनों इक्वल टाइम ले रहे हैं, भाई मान लीजिए दोनों टी टाइम ले रहे हैं, तो ये कितना चला? भाई जैसे मैं आपसे इसे कह देता हूँ कि ये तो अनिल है, ठीक है, और ये सुनील है, ये इनकी स्पीड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये जो है ये कितना चला? भाई टी समय में मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड में मान लेता हूँ, इसकी कुछ भी मान लो आप, ये 20 जो है इसकी किलोमीटर डिस्टेंस इसने चली है 20 किलोमीटर। तो अब मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि बताओ ये कितने टाइम में इसने चली है, तो आप क्या मानोगे? भाई 20 अपॉन मान लीजिए टी टाइम में चलिए, तो स्पीड क्या हो गई भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी स्पीड क्या हो गई भाई? ये हो गया 24 अपॉन, ये भी कितने टाइम में चला है? टी टाइम में। तो इतना हो गया, जब इनको यहाँ पे रखेंगे ना तो टी से तो टी कैंसिल हो गया, यानी कि अगर आपके पास टाइम इक्वल होता है ना, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है भाई? बराबर। अनिल 20 चलता है, ये 24 चलता है, यानी कितना हो जाएगा भाई? अगर ये 5x है ना, तो इसकी स्पीड कितनी बनेगी भाई? 6x बनेगी। बोलो भाई ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? ध्यान से देखो, दोनों की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, कि दोनों की स्पीड अगर अनिल की 5x है तो उसकी कितनी बनेगी? 6x बनेगी। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, एक दिन जब उन्होंने एक दिन दुकानों की अदला बदली करने का फैसला किया, यानी वो कह रहा है कि मैं तेरी दुकान पे जाऊंगा, तू मेरी दुकान पे जा, भाई उन्होंने अपनी अदला बदली करने का फैसला किया, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं किया, ध्यान रखना स्पीड में चेंज नहीं किया, फैसला किया। तो अनिल ने सुनील से 8 मिनट पहले शुरुआत कर दी, मतलब भाई जब वो पहुंचते हैं, बोला उसे पता है अनिल को कि हमें इससे आगे जाना है, क्योंकि इसकी दुकान आगे। यदि दोनों एक ही समय पर पहुंच गए, भाई दोनों पहुंचे एक ही टाइम पे, जैसे मान लीजिए उनको 10 बजे पहुंचना था ना, तो वो 10 बजे ही पहुंचे हैं दुकान में दोनों, लेकिन क्या किया अनिल ने, 8 मिनट पहले चलना शुरू कर दिया, यानी जो डिस्टेंस थी ना। आप मुझे बताओ कि अनिल पहले कितना जाता था, यहां से देखना ध्यान से, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश। अनिल पहले जाता था 20 किलोमीटर और सुनील कितना जाता था भाई? ये 24 जाता था, लेकिन आज है ना, आज अनिल कितना जा रहा है भाई? तो अनिल जा रहा है 24 और अनिल की स्पीड कितनी है? 5x, यानी इसकी कितनी होगी? अपॉन 5x। तो इसको कितना टाइम लग गया भाई? ये टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम, ये अनिल का टाइम है, अनिल को इतना टाइम लगा 24 अपॉन 5x। अब मुझे बताना सुनील को कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या कहेंगे? सुनील को इस बार कितना जाना भाई? 20 तो जाना है भाई, जो अनिल को जाना था सुनील को जाना, तो कितना लगेगा भाई? इसकी स्पीड है 6x, तो इसको इतना टाइम लगेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस कवर करी ना, इसमें अनिल को इतना टाइम लग गया, सुनील को इतना टाइम लग गया, लेकिन एक बात और बोल रहा है कि अनिल 8 मिनट पहले चला है, यानी मान लीजिए कि सुनील ने वहां पे टी टाइम लिया है ना, तो अनिल ने कितना ज्यादा लिया भाई? 8 मिनट ज्यादा लिया है, ध्यान रखना। और ये 20 किलोमीटर स्पीड है ना, मैंने किलोमीटर पर आवर में मानी है, ठीक है, आप मिनट में मानना चाहो तो मिनट में मान लेना, फिर ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, लेकिन मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में माना। अब देखना 24 अपॉन कितना आ गया? 5x आ गया, इसका टाइम कितना आ गया? अब मुझे बताओ अनिल ने कितना टाइम ज्यादा लिया अभी सुनील से? तो अनिल ने कितना टाइम ज्यादा लिया? अनिल ने 8 मिनट ज्यादा लिया, तो मैं क्या कहूंगा, इस अनिल के टाइम में से अगर सुनील का घटा दूं ना, तो कितना आ जा रहा है 8 मिनट, यानी कितना आ गया? 8/60 आवर। ठीक है भाई, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करता है? 60 से, सही बोलने लग रहा हूँ, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब आप जैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो तो 4 से कट गया 6 बार, 4 से कट गया 5 बार, और 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 30 बार। इसका एलसीएम ले लीजिए भाई, बन गया 30x, और यहाँ पे कितना आ गया? 36 माइनस कितना आ गया? 25, बराबर कितना आ गया? 1/30। 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। आपसे सुनील की स्पीड पूछी थी कि बोलोगे तो बताओ सुनील की स्पीड क्या, तो कितना कर दो, x की वैल्यू 11, तो कितना आ गया? 66 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। इसकी पूछे तो कितना आ गया? 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। खत्म हो गया क्वेश्चन, आई मेरी बात समझ। देखो आपको सिर्फ एक बात समझनी थी,
यहाँ पे की जो टाइम का अगर टाइम इक्वल है ना तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, बस वही मैंने अप्लाई किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, बस आप समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 66 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलिए भाई अब ये है अगली क्लास के लिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है भाई जो आपका होता है ना हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक विमान है जो हवाई अड्डे के चारों ओर सर्कल में उड़ रहा है, इस तरीके से एक सर्कल है उसमें, उसके चारों ओर मतलब चक्कर लगा रहा है, तो उसके बारे में इसने जानकारी दिया। तो आप बताओ यहाँ पे जो अक्ष है वो जो भी दिया आप पढ़ लो उसको, तो उस अक्ष का मान बताना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए अगली क्लास के लिए, तो भाई आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।